जानते हैं इंटरनल पावर को। ये इंटरनल पावर आपके अंदर की पावर होती है। आज हम ऐसी कुछ स्टेप पे बात करेंगे जो कि आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को एक नई दिशा देने वाला है। इंटरनल पावर क्या होता है कि जो चीजें आप देख रहे हैं भौतिक, या आपकी जो बाहरी चीजें हैं जिसको आप देख पा रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल होती है हमारी ना दिखने वाली पावर, जिसको बोलते हैं इंटरनल पावर, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, जिसको अंदरूनी ताकत भी आप बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूंगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये सारी चीज क्लियर करने वाला हूं, और अपने नोट पेपर पे इसको नोट करना है, इंटरनल पावर होती क्या है। अभी कोविड का टाइम चला हुआ था, कोविड का टाइम आतंकवादी से भी खतरनाक था, क्योंकि जो आतंकवादी है उसको हम देख सकते हैं, उसको उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा वायरस जो कोविड का था उसका हमें यही नहीं मालूम था कि वो है कहाँ। काश वो दिखने वाला कोई वायरस होता तो हम देख पाते कि सीढ़ी पे लगा हुआ है या इस मोबाइल पे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उससे सुरक्षित हो सकते हैं। बट वो इंटरनल था, अंदरूनी था, यानी कि जो ना दिखने वाली चीजें हैं इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। ये एग्जाम्पल मैंने दिया, बाकी सारी इंटरनल पावर आपके अंदर है। तो पहली इंटरनल पावर क्या है, अगर आपने इस इंटरनल पावर को अपनी हैबिट्स में उतार लिया, अपनी लाइफ में उतार लिया, तो आपके जीवन को यहीं से एक नया मोमेंट मिलने वाला है। इसको बोलते हैं स्वीकार करने की ताकत। स्वीकार करने की ताकत, जब भी आप किसी चीज को निगेटिव थॉट से देखते हैं या आप उस चीज के बारे में निगेटिव चर्चा करते हैं, तो आपके जीवन में निगेटिविटी पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको सपोज दैट मैं कोविड की बात कर रहा हूं, कोविड के बाद जब चीजें बदली और जिसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब मार्केट में जाना सुरक्षित नहीं है और हम होम टू होम मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक नेटवर्कर हैं तो नेटवर्कर को बहुत जरूरी होता है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, मीटिंग करना, और जैसे ही हमने ये स्वीकार किया कि हम लोग जूम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमारे लिए एक नए द्वार खुले हैं। तो स्वीकार करने की ताकत। अभी बहुत सारी चीजें क्या आती हैं, हमारे प्रॉब्लम कितनी आएगी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हर रोज आती है, आपके घर में भी आती है, आपके घर के चलाने के लिए भी आती है, आपके बच्चों को, आपके रिलेशन में भी आती है, आपके बिजनेस में भी आते हैं, लेकिन जब भी हम उन सारी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो नए थॉट देना शुरू कर देता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं पोर्टल पे, अभी आप आइडिया करके बताना, अपने मन में सोचना है जो भी बात मैं बोलूंगा, कितने प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं हमारी, लगभग 80 प्रोडक्ट होंगे, और 80 प्रोडक्ट के बाद अगर हमारे दो प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस विचार में घूम जाते हैं कि कब ये प्रोडक्ट आएगा, कब हम बिजनेस करेंगे। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट है ही नहीं, सपोज करो अपने माइंड से इन प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, क्या और प्रोडक्ट पोर्टल पे हैं, ये मैं खाली एटॉमी का उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के तौर से आप जल्दी समझ पाएंगे, क्या और प्रोडक्ट नहीं है, क्या ऐसी इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जो तीन तीन प्रोडक्ट पर, चार चार प्रोडक्ट पर, मैंने तो ऐसी भी कंपनी देखी है जो एक प्रोडक्ट पे भी काम कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ही हमसे बहुत हाई होता है, और वो हमेशा हमें नेगेटिव थॉट, यानी कि हमें हर चीज के सक्सेसफुल बनने के लिए, क्योंकि वो पैदा नहीं हुआ इसलिए वो हमें एक बार भी हमें सोल्ड, अरे यार ये तो सोल्ड आउट हो गया प्रोडक्ट, तो वहां क्या हुआ, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आज सोल्ड आउट है तो सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा, तब इसको परचेज कर लेंगे। स्वीकार करने की शक्ति, जब भी आपकी स्वीकार करने की शक्ति बढ़ती है तभी वहां से आपका एक नया स्टेप स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कमियां निकालना बंद कर देते हैं तभी हमारा नेक्स्ट थॉट जो ब्रेन देता है, क्योंकि हमारा जीवन जो चलता है वो हमारे ब्रेन से चलता है, ये चीज आप लिख लीजिएगा, और ब्रेन आपको सफल होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। क्यों? आज सर्दी का मौसम है और आपके चार दोस्त हैं और सबका प्लानिंग बना कि यार सुबह उठते हैं और काफी टमी बढ़ रही है, सर्दी में खाया जाता है ज्यादा और हमारा जो है इतना वो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कआउट करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप वर्कआउट शुरू करना स्टार्ट कर दे, मतलब बोलते हैं कि ठीक है कल से हम जो है मॉर्निंग में मिलते हैं 4 बजे, लेकिन जैसे ही पहली मॉर्निंग में आप उठेंगे, आपका ब्रेन, ये चेक कर लेना, आपका ब्रेन आपको कम से कम 10 से 15 थॉट दे देगा, यार अभी तो बहुत धुंध है, अभी तो बहुत ठंड है,
और जब भी आप नहीं मानोगे तो लास्ट में तो ये बोल देगा कि यार एक तारीख से शुरू करते हैं, यानी कि आपका ब्रेन ध्यान देना आपको सफल बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ। लेकिन अगर आपने इस दिमाग को पकड़ लिया और कुछ हैबिट्स अपने अंदर उतार दी तो आप इस दिमाग से ही बहुत कुछ जीत जाओगे। पहली बात, जितने भी लीडर सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनकी मॉर्निंग सूरज से पहले होनी चाहिए, उनको हमेशा 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 4 से 6 बजे तक आपका 100% एक्टिव रहता है। तो जब 100% एक्टिव रहेगा तो वो अच्छे थॉट आपको देगा और अच्छे थॉटों पे आपका पूरा दिन हैप्पीनेस में गुजरेगा, आपके बिजनेस थॉट में गुजरेगा, या जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसका थॉट आपका ब्रेन दे देगा। ठीक है, तो आपको स्वीकार करना है सबसे पहली चीज कि आप जब स्वीकार कर लेते हैं तभी आपको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके अपलाइन के बारे में, आपके डाउनलाइन के बारे में, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में आती है। आपके डाउनलाइन ने कोई बात ऐसे बोल दिया, अरे उसको स्वीकार करो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग सिखा रहे हैं, हमारे लिए वो एक बोर्न बेबी है। हमारे डाउनलाइन हमारे लिए क्या है, एक बोर्न बेबी की तरह है। उनका हम पोटी भी साफ करेंगे, उनका हम टाइम टाइम पे उनको खाना भी खिलाएंगे। इस तरह से इस बिजनेस को किया जाता है और इस बिजनेस के बहुत सारे तरीके अभी आपको मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है, नहीं तो आपको स्कूल्स और एकेडमी आने वाले टाइम में इसको बताएंगे। चलिए, सेकंड है एपिसरेस करना, लोगों को तारीफ करना, अच्छे काम के लिए उनको लाइक करना, प्यार देना, सच्चा और दिल से, क्योंकि झूठ से नहीं, झूठ से कोई भी, जब आप नींव की शुरुआत करते हैं तो वो पूरा लाइफ आपका, पूरा गेम आपका, पूरा बिजनेस आपका झूठ में बदल जाता है। और ये ध्यान देना, जितने भी यहाँ टॉप लीडर हैं और अपलाइन हैं, कि आप एक कांच के घर में बैठे हैं और आपकी एक एक हरकत आपकी डाउनलाइन देख रही है। और ध्यान देना, अच्छी चीजें हो सकता है देर में आए, लेकिन बैड हैबिट्स बहुत तेजी से डाउन में जाती है। तो आपको क्या करना है, अच्छी चीजों के लिए लाइक करना है आपने, चाहे वो अपलाइन है चाहे वो डाउनलाइन है। तारीफ करने से क्या होता है, ये अगर हैबिट्स आपने सिर्फ बिजनेस में नहीं अपने घर में भी डाल लिया तो आपको एक अलग एहसास मिलेगा और आपके घर के अंदर, आपके रिलेशन के अंदर वो सारा प्यार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हुआ, आपके वाइफ है या आपकी मम्मी है या आपके बच्चे हैं, आपने बोला एक ग्लास पानी लेके आओ बेटा, तो वो लेके आए तो एक क्या बोलेंगे, थैंक्स बेटा। ये छोटी छोटी हैबिट्स क्या है, आपको एक लीडरशिप के दायरे में ले जाती है और जब आप उनको बोलते हैं तो उनको एक अच्छा फील होता है और दूसरी बार वो पापा के पास दोबारा कोई चीज मांगने के लिए, कब पापा मुझे बोलेंगे, ऐसा उनके अंदर एक वो आता है। ऐसे ही हमारी होती है डाउनलाइन, डाउनलाइन की लिया जब आप लाइक करते हैं, जब उनको शाबाशी देते हैं, दिल से देते हैं, ऐसे नहीं कि चने के झाड़ पे उनको चढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं, जो रियल है, जो एक्चुअल में उन्होंने छोटा सा काम किया। अभी आपने देखा होगा हमारे जो ग्रुप हैं और सीनियर जितने भी लीडर्स हैं, जो भी कोई परचेजिंग करता है, हम उनको एक गुलदस्ते के साथ, उनका बिल्कुल एक पिक के साथ उनको क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, ग्रुप पे उनको प्रमोट करते हैं, उनसे उनकी जो अंदर की विल पावर है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। तो हमें क्या करना है, अपने अपलाइन को भी थैंक्स बोलना है, क्योंकि अपलाइन के बगैर तो आप नहीं आए। और जीवन में एक चीज देख लेना, गलती आपके अंदर भी है, अपलाइन के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। गलतियां वो जरूर करेगा जो नया काम करेगा, और जो गलती करेगा उससे कभी भी आपको दूर नहीं होना है, क्योंकि गलतियां तो इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे होती है। लेकिन जब उस गलती को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे इस पे सोचना चाहिए, या जिसने गलती की है उसको माफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तारीफ, सपोज दैट, यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हमारे जो विकास गौतम सर हैं, विकास गौतम सर जा रहे हैं और जाते जाते उनका किसी कारणवश मोबाइल जो है निकाल रहे थे, बट उनका हैंकी नीचे गिर जाता है। और जब हैंकी नीचे गिर जाता है तो पीछे से कोई महिला आ रही है और उसने उसको उठाया और सर ये आपका ये गिर गया था। तो डेफिनेटली सर बोलेंगे थैंक्स मैम, जरूर उसको थैंक्स बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ कितने भी लोग हैं, अपने ऊपर कल्पना करना, क्योंकि मैंने बोला कि आपको कोई मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ सोचना है इस बारे में जो मैं आज आपको यहाँ पे एक नॉलेज दे रहा हूं। अगर यही चीज विकास जी की वाइफ
पीछे पीछे आके और उनका हैंकी गिर जाता है और वो उसको देते हैं, तो क्या विकास सर बोलेंगे? बाद में हमारी बात होगी, मैं जरूर विकास सर से पूछूंगा, विकास सर क्या यही चीज आप अपनी वाइफ को बोल रही हैं या बोलना चाहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो उसका धर्म है, वो तो हमारी पत्नी है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एक बार आप पत्नी को भी जब बोलेंगे थैंक्स यार, मेरा तो ध्यान ही नहीं पड़ा, तुम कितनी केयर करती हो मेरी, आप देखना वहीं से आपकी मूवमेंट चेंज हो जाएगा, वहीं से आपका लाइफ चेंज होने वाला है। यही चीज एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। और इससे भी आगे जब चलते हैं थर्ड पावर पे, ये सबसे जबरदस्त पावर यहां पे मैं आपको देने वाला हूं, और जब आप इस टोल ने सहने की शक्ति को अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, तो समझ लीजिए कि आप बड़े सी बड़े जंग जीत जाएंगे। जब आपने केजीएफ फिल्म देखा होगा, केजीएफ फिल्म के अंदर एक डायलॉग है मां का कि बेटा अगर 1000 लोगों ने, तुमने सोच लिया कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम एक जंग जीतते हो, और अगर 1000 लोगों, अगर 1000 लोग आपसे आगे खड़े हो जाएं तो आप पूरे जिंदगी का जंग जीत देते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत इस पर कंफ्यूज हूं, लेकिन मैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप ये सहने की शक्ति सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है। सहने की शक्ति मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई उसको आपने सह लिया, किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, चाहे वो अपलाइन है या फैमिली मेंबर है, क्योंकि मैंने बताया आज की मीटिंग सिर्फ आपको बिजनेस में नहीं, आपकी पारिवारिक जीवन में, आपकी जॉब की लाइफ में, सब में आपको परिवर्तन लाने वाली है। और जब आप कहीं फील्ड में जाते हैं तो आपको अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं। आप मीटिंग करने के लिए गया टोमी के, लेकिन पता लगा कि बंदा पहले से ही एमएलएम से इतना चिढ़ा बैठा है, और जैसे ही आपने बताया सर हमारी कंपनी कोरिया से है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे हैं, लेकिन बंदा भरा बैठा है, क्यों? या तो फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है उसके साथ, या बहुत सारी चीजें आपने देखी हो, और आई प्लान, ये प्लान। और जैसे उसने आपको बोला कि आपको कुछ गलत बोलना शुरू किया, और आपने उधर से उसको गलत बोलना शुरू किया, हमारी तो कंपनी इतनी अच्छी है, हमें क्या पता किसने क्या किया, तो क्या हुआ वहां पे आपका, समझ लीजिए, बिजनेस तो खराब हो ही गया और आपका पूरा दिन भी वहां पे खराब हो गया। हाँ, आप क्या कर सकते हैं वहां पे वो बोलेंगे हाँ हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, एमएलएम ने काफी कुछ किया है, गाइडलाइंस नहीं थी गवर्नमेंट की तो बहुत लोगों का शोषण हुआ है, मैं समझ सकता हूँ आपकी सारी चीजें, और यहाँ पे देखिए आप अपनी जगह बहुत ठीक है, और पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था इसके बारे में, लेकिन जब से भारत सरकार की गाइडलाइंस आई है, अभी कितने लोगों को पता है 2016 की गाइडलाइंस का, चलिए पता होगा, लेकिन 2021 में भी गाइडलाइंस आ चुकी है जुलाई में, भारत सरकार इस पे बहुत तेजी से काम करे। जब आपको ये नॉलेज होगी तब आपको आराम से सहना है, उनकी बातों को आने देना है अपने ऊपर, और उससे कोई प्रभावित नहीं होना है, एक हल्की सी स्माइल रखनी है उसके सामने। स्माइल रखने के बाद आप जब सहने वाले बनते हो तो बहुत बाणों की बोछार भी आप सह सकते हो, भीष्म पितामह की तरह आप बोलिए जो बोलना है। जैसे ही वो खाली होगा, जैसे ही उनके अंदर से वो सारी चीजें निकलेंगी, फिर वो सुनना शुरू करेगा अपना। और जब अगर आपके अंदर सहने की शक्ति नहीं तो क्या हुआ, मतभेद पैदा हो गया। मतभेद पैदा जब होगा तो वहां पे बिजनेस तो छोड़िए, आपके रिलेशन भी खराब हो जाएंगे, और ये रिलेशन का ही बिजनेस है। तो वहां पे आपने क्या करना है, आपने उस सहने की शक्ति को बढ़ाना है। अगर आपने इस सहने की शक्ति को बढ़ा दिया तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो वहां से आपकी आईडी निकाल के ना लेके आए। बस आपको धैर्य बना के रखना है, पहले खाली करना है बंदे को। जैसे ही वो खाली, क्योंकि कहते नहीं कि जब पानी भरा होता है घड़े में तो उसमें और पानी नहीं भरा जा सकता, तो पहले उसको खाली करना भी आप ही का काम, और खाली तब कर पाओगे जब आपके अंदर वो सारी हैबिट्स होंगी, वो सारी इंटरनल पावर होंगी, तब आप उनको खाली कर पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ोगे, गलती होगी और हर किसी से होगी, और उनको भी बताना है कि जब आप इस बिजनेस में आए थे, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं थी, कहीं ना कहीं आपको जो है उस टाइम नॉलेज नहीं थी, आपने कभी सर्च नहीं किया था, आपने विश्वास पे अपने रिलेटिव के ये बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगा, तो वहां पे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आपके अंदर ये सहने की ताकत होनी चाहिए, पावर ऑफ फॉरगिवनेस। अब जैसे ही
ये सारी चीज होंगी तो वो हल्का महसूस करेगा। जब उनके अंदर से वो सारी चीज निकल जाएंगी तो आप देखना वो बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, और जब हल्का महसूस करेंगे तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू परिस्थिति क्या है, आप उनके लिए पानी, भले ही उनके घर में बैठे हो, चलिए आप पानी मंगाइए, पानी पीते हैं थोड़ा सा, आप सही कह रहे हैं, और फिर बात करते हैं। मेरा यकीन मानिए दोस्तों कि आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप ये जूम मीटिंग पे कर रहे हैं, चाहे आप होम मीटिंग पे कर रहे हैं, चाहे आप कॉल फ्रेंस पे कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, पर सत्य आपके अंदर सहने की शक्ति हो। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त पावर होती है आपके अंदर, हमारे अंदर, सब लोगों के अंदर होती है, फॉरगेट, यानी कि पावर ऑफ फॉरगेट, पास्ट। पास्ट में क्या हुआ था, कितनी चीजें हुई थी, गलती हुई थी, अपलाइन से हुई, डाउनलाइन से हुई, घर में हुई, दोस्तों में हुई, जितनी जल्दी आप इसको भूल जाएंगे उतनी जल्दी आपका नया जीवन शुरुआत हो जाएगा। अगर आप बोलें अच्छा वो विकास सर ने मेरे को ये बोल दिया, अरुण जी ने मेरे को ये बोल दिया, अरे अरविंद सर ने मेरे को ये बोल दिया था, मैं कैसे काम करूं, उन्होंने तो ये बोल दिया, छोड़ दीजिए सारी चार्ज, सारी चीजें अगर आप छोड़ देंगे तभी आप नवीनीकरण कर पाएंगे। नवीनीकरण कब होता है, जब आप पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं, पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, आपका जीवन स्थायी नहीं है। आप देखते हैं ना जैसे सुबह से शाम होता है, प्रकृति बदलती है, ऐसे ही पूरा जीवन बदलता है। जब हम बच्चे होते हैं हमारा जीवन किसी और चीजों पर निर्भर होता है, जब जवानी होती है किसी और चीजों पर निर्भर होती है, जब हम एक बिजनेसमैन बनते हैं कुछ और चीजों पर, यानी कि बदलाव ही जीवन का अस्तित्व है। बदलाव के बगैर ना प्रकृति रही है ना आपका जीवन रहेगा। अगर आप पिछली बातों को उठा के रहेंगे, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे अपलाइन ने किया था, मेरे डाउनलाइन ने किया था, या मेरे किसी दोस्त ने किया था, उसको तो प्लान दिखाना ही नहीं, वो तो मेरे से वैसे ही, छोड़ दीजिए, आपके अंदर वो सारी चीज होनी चाहिए। आज ये 7 स्टेप आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। फोर्थ क्या है, पावर ऑफ फॉरगेट द पास्ट। आप पास्ट को जितनी जल्दी चाहे भूल जाओगे। मैं तो किसी से प्यार करता था, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं तो अब ये करूंगा, मैं, अरे छोड़ दो, जो जीवन में चला गया वो पास्ट है आपका। कहते नहीं कि वो लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, मैं कहता हूं जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत एक बार आनी है। जिस दिन सूरज निकलेगा उस दिन आपका नया सवेरा होगा। जब भी आप सुबह को उठते हो तो आपका नया सवेरा होता है, नई जिंदगी की शुरुआत होती है। बरसते आप वो चीजों को सोचे समझे और अपने अपलाइन, अपने मेंटोर, अपने लोगों के साथ रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और सबसे जरूरी है कि आपके अंदर वो पावर हो जिससे आप पास्ट को भूल जाएं। और ये डेवलप होता है मेडिटेशन से, अपने लोगों से, अच्छे लोगों के साथ मीटिंग और ट्रेनिंग से, बात करने से। जैसे ही आप देखोगे कि हमने क्या किया, पास्ट को भूल गए, और यहां पे क्या होगा, तर्क और वितर्क देने की जरूरत ही नहीं है। किसी को तर्क वितर्क देने की जरूरत ही नहीं है, किसी को ये कहने की सफाई देने की जरूरत ही नहीं। आप मीटिंग में नहीं है, सर मेरा तो वो नेटवर्क खराब था, मेरा तो सर ये चीज खराब था, मेरा तो वो चीज, क्यों दे रहे हो भैया, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी अपनी परेशानी है, नहीं आए तो नहीं मिलेगी ना तुम्हें आज की नॉलेज। जो लोग ये समझते हैं कि मेरे अपलाइन का वर्क है ये, जो मैं मीटिंग में आ रहा हूं, या मेरे डाउनलाइन का है, ये उनकी गलत फहमी है। आप जो सीखते हो वही जीवन में आपके काम आता है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, हर एक चीज, धन दौलत सब कुछ लूट जाएगा, लेकिन आपके पास सिर्फ नॉलेज है, उसको कोई लूट के नहीं ले जा सकता। और उस नॉलेज के बलबूते पे हमने 2-2 साल यहां बिना पे आउट के अपना घर चला दिया। इसलिए जो आपका ब्रेन लेवल होगा वही आपका बैंक बैलेंस होगा। ये मेरी बात आज पेन से लिख लेना। जितना ग्रोथ आप ब्रेन के लिए करोगे, जितना एफर्ट आप ग्रोथ मतलब अपने ब्रेन को दोगे, जितना खाना आप अपने ब्रेन को देंगे, खाना मींस क्या चाहिए, एजुकेशन, कितनी बुक्स पढ़ते हैं आप, कितनी सक्सेस स्टोरी देखते हैं आप, वो सारी चीजें आपके अंदर एक लीडरशिप के दायरे में आती हैं। आप मॉर्निंग में एक जरूर मोटिवेशनल या कोई एजुकेशन, जो भी हमारे मेंटोर हैं आपके, कोई भी मेंटोर आप ले लीजिए, उनके एक वीडियो देखिएगा, आपका दिन उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। वाह, ये तो जबरदस्त है, इसके बगैर तो, ये मेरे अंदर सबसे ज्यादा था
और अभी भी बोलते हैं कि है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इससे मैं बहुत जल्दी बाहर निकल जाऊं और बहुत हद तक मैंने इसको कंट्रोल किया है। पावर ऑफ एग्रीमेंट, पावर ऑफ गुस्सा। कितने लोग ऐसे हैं यहां पे जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से की एक हकीकत वो नहीं जानते, क्योंकि गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर पे आता है। आप मार्केट में लड़ने जा रहे हैं, आपका झगड़ा हो जाता है, आप चिल्लाते हैं, एक रिक्शा वाले के दो मारते हैं, जैसे ही वहां से दो अच्छे वाले बॉडी बिल्डर निकल के आते हैं ना गाड़ी से, आपका गुस्सा नीचे आ जाता है। समझ लिए, समझ जाइएगा कि गुस्सा हम करते हैं, गुस्सा कभी आता नहीं है। तो जब ये बात आप समझ जाएंगे कि गुस्सा आता नहीं, चाहे यहाँ पे हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हो, वो सारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, वो समझ लीजिएगा कि गुस्सा हम करते हैं, गुस्सा कभी आता ही नहीं है। अगर आता है तो वो अपने से ताकतवर लोगों पे क्यों नहीं आता? ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर आप गुस्सा किसी भी वर्ग में, किसी भी तबके में, किसी भी बिजनेस पे, किसी भी लोगों पे करते हैं तो, क्योंकि गुस्से से कभी कोई भी चीज हल होती नहीं, गुस्से से हमेशा चीजें बिखर जाती हैं। तो जब चीजें बिखर जाती हैं तो आप फिर बाद में उसमें तर्क वितर्क देते हैं, मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे तो बीपी हाई हो रहा था, आप जानते। ये तर्क वितर्क मत दीजिए, कंट्रोल करिए। यू आर ए लीडर, आप एक लीडर हो, आपको बहुत सारी चीजें संभालनी है, आपको अपनी फैमिली को देखना है, आपकी अपनी टीम को देखना है, अपने पूरे समाज को देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, कोई तर्क वितर्क नहीं देंगे। देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक पे गलत एनर्जी डाल देंगे, वहां नेगेटिविटी आ जाएगी, और गलत एनर्जी होती है हमारा गुस्सा। तो इसको भी नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट पावर है, और ये मैंने देखा है, महसूस किया है, और अपने ऊपर नहीं, इस समाज के कई लोगों के ऊपर मैंने इसे देखा है। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्दों की ताकत। ये आज मैं, अगर जो लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं इसको लिख लीजिए और उसको अपने जीवन में, जैसे मैं बता रहा हूं, उसको उतार लीजिएगा। मैं 100% 100% कहता हूं कि जो आपने सोचा है, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में अचीवमेंट लाना, वो इस एक पावर की वजह से आ सकता है। जो आप सोचते हैं और जो बोलते हैं, वही आपका जीवन है। शब्दों की ताकत का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे गांव में एक लड़का बहुत तेजी से बाइक चलाया करता था, एक बहुत तेजी से ट्रैक्टर चलाया करता था। तो जहां पे बहुत 10 लोग बैठे होते थे, तो ये की बात उनके वर्ड्स निकलते थे, उनके होठों से निकलते थे कि ये लड़का मरेगा। वो ऐसे ही चलाना शुरू करता रहा, वो ऐसे ही चलाना। हाँ, कहीं उनको ये नॉलेज होती कि हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे जो पूर्व आचार्य है, उन्होंने भी इस चीज को माना है कि शुभ शुभ बोलो। ध्यान देना मेरी बात, शुभ शुभ बोलो, 24 घंटे में एक बार आपके होठों पे सरस्वती आती है। समझ रहे हैं? तो वो क्या हुआ कि अगर उनके पिताजी उनको ये चीज समझा देते कि तुम्हारी चर्चा होना स्टार्ट हुई, और जब किसी की चर्चा होती है तो समझ रहे हैं, चर्चा जब होती है उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष होता है। तो जैसे ही वो पावर, उनकी वर्डों की पावर चलना स्टार्ट हुई, उसकी डेथ ऐसे हुई। ऐसे ही इस वर्ड को आप अगर अच्छाई की तरफ लेके चलेंगे, तो ये जीवन में आपकी अच्छाई भर देगा, खुशियां भर देगा, अचीवमेंट भर देगा। शब्दों की ताकत, जैसे आप अपने आप को मॉर्निंग में उठते हैं, मैंने पहले भी बताया, अगर आप मेरी मीटिंग में आए होंगे, मॉर्निंग में उठिए और जो भी आपका आधा घंटा या घंटा वर्कआउट है या मेडिटेशन है, सूरज की तरफ को करिए, बाहें फैलाइए और बोलिए, अपना नाम लीजिए, आई एम द बेस्ट। मैं अपनी लिया बोलूं, अरविंद द बेस्ट, क्योंकि अरविंद को बहुत अच्छा अपलाइन मिला है, इसलिए मैं बेस्ट हूं। अपलाइन मिला है, साथ में बहुत अच्छी टीम मिली है, इसलिए मैं बेस्ट हूं। जिंदगी में एक चीज ध्यान देना, अगर आपको इसकी पावर का चेक करना है तो मैं अभी चेक करा देता हूं। आप कोई भी वर्ड बोलिए, जो नेगेटिव यानी जो गलत वर्ड होगा अभी आपको पकड़ लेगा, और जो सही वर्ड होगा
वो आपको अभी एहसास करा देगा कि ये एक पावर कितना है। अब जो भी बोलते हैं उसके आगे उसके पीछे लगाना और मैं यही चाहता था। जैसे अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यार अटोमी में मेरा तो काम नहीं चल रहा है और मैं यही चाहता था, क्या ये पॉजिटिव वर्ड है? मेरी तो टीम अच्छी नहीं चल रही है और मैं यही चाहती थी, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जब आप और मैं यही चाहता था या और मैं यही चाहती थी उस वर्ड के पीछे लगा देते तो उस वर्ड की आपको व्याख्या इतनी तरीके से होगी, जैसे मेरा तो अच्छा पे आउट आ रहा है और मैं यही चाहता था। ये वर्डों की जो ताकत है इसके पीछे भी दो ऊर्जा होती है, एक नेगेटिविटी और एक पॉजिटिविटी। तो हमें किस पे काम करना है, हमें वो वर्ड निकालना ही नहीं है जो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी लेके आए, हमें बोलना ही पॉजिटिव है। हमारा बहुत जबरदस्त कंपनी है, हमारा बहुत जबरदस्त टीम है, हमारा बहुत जबरदस्त एटॉमी परिवार है, हमारा फ्रेंड सर्कल ही बहुत जबरदस्त है और मैं यही चाहता था, और मैं यही चाहता था। जब आप ये सब लगा देंगे तो आप कभी जिंदगी में नेगेटिव वर्ड बोलेंगे ही नहीं। आप रोज ये बोलिएगा कि मेरे एक अच्छा पे आउट आए, मेरा एक अच्छा घर हो, मेरा एक अच्छा, ये वर्ड जब आएगा तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं, यकीन मानना दोस्तों, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल इंसान है इस पावर से उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुल बना लिया। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये लीडरशिप की मीटिंग है। हो सकता है इसमें नए लोग आए हों, लेकिन वो धैर्य से काम ले और वो जरूर अपने अपलाइन से कल बात करें, क्योंकि नए लोग जो फ्रेशर लोग हैं उनकी ये मीटिंग है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो ये जो शब्दों की जो ताकत है, शुभ शुभ बोलो, ये तो फ्रेशर लोगों ने भी सुना होगा। शुभ शुभ बोलने का मतलब है अच्छा बोलोगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, चाहे एक दिन का अच्छा बोले, चाहे आप पूरा महीना बोले, चाहे साल बोले या अपनी लाइफ में बोले। बस उसके पीछे क्या लगाना है, और मैं यही चाहता था, मैं बीमार हो गया, और उसके पीछे आप लगाओगे और मैं यही चाहता था। क्योंकि ये जो वर्ड है और मैं यही चाहता था, ये आपको बताएगा कि नहीं आप गलत बोल रहे, मैंने ट्रीटमेंट लिया फीवर का, मैं बीमार हुआ और मैंने ट्रीटमेंट ले लिया और मैं यही चाहता था। तो समझने वाले को बहुत बड़ी ये जो पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है। सबसे फेवरेट मेरा ये स्पोकन वर्ड का पार्ट है। जितना अच्छा आप बोलोगे उतना अच्छा आपको एहसास होगा इस लाइफ में बोलने से ही आपके साथ, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में जाती है। और जब 100% आप किसी चीज के लिए अच्छा बोलते हैं तो पूरी कायनात उस काम को कराने के लिए, मुझे अब की बार यहां से 3 पे आउट जनरल कमीशन का लेना है और मैं यही चाहता था, ये नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन पार्ट है और ये लास्ट आज का जो रहेगा ये लास्ट रहेगा, और इस ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट है, द पावर ऑफ सबमिशन, आत्मसमर्पण। जब आप किसी सिस्टम के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी गुरु के प्रति, या किसी तो नहीं कह सकते, या भगवान के प्रति आप सबमिशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप सबमिशन करते हैं तो आप की जिम्मेदारी नहीं, उस पावर की जिम्मेदारी बन जाती है आपको सफल बनाने की, आपको आगे बढ़ाने की। जैसे आपने क्या किया, सबमिशन कर दिया अपने अपलाइन को, अब अपलाइन की जिम्मेदारी बन गई कि क्योंकि आपने सबमिशन कर दिया, सबमिशन मींस आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपको जो भी चीज बताई गई है यस सर या यस मैम, बस। क्योंकि मेरे अपने जीवन में बहुत छोटा सा कैरियर है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का, आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि इतनी कम समय में मैं यहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी थी, यस सर। मेरी जबान पे कभी नो शब्द आया ही नहीं, यस सर। और जब सोचना था यस सर तो बोल दिया सर को, लेकिन टारगेट तो बड़ा है, फिर उस पे सोचता था कैसे करना है, कैसे होगा,
मैं आपको बता रहा हूं, आप कितना भी बड़ा टारगेट बना लें और आप सुबह 4 बजे उठिएगा और वही अपने आराम से अपना नॉर्मल तरीके से उठेंगे, 6 बजे तक आपको कैसे करना है आज का लक्ष्य, आपके ब्रेन आपको इतने प्यारे प्यारे थॉट दे देगा और वो आपका लक्ष्य अचीव होगा एक दिन का। और जब आप एक दिन को मेंटेन कर लेंगे लक्ष्य में, तो आप पूरे हफ्ते को कर लेंगे, और जब हफ्ते को करना सीख लेंगे तो पूरी साइकिलिंग कर लेंगे, और जब साइकिलिंग कर लेंगे तो पूरे महीने के कर लेंगे। सम्बिशन में भी एक पावर होती है, क्यों? क्योंकि अब उस भगवान को जिसको आप मानते हैं उनको आपका पावर मिलता है, और उस पावर से उस एक क्या होता है, जब आपके किसी के साथ एक संबंध होता है, चाहे वो गुरु है, अपलाइन है, आपका कोई भी है, अपलाइन है, तो जब आप सम्बिशन करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि आप उनके प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति अब आप समर्पित हो चुके हैं, तो वो आपके लिए प्लानिंग खुद पे खुद करते हैं यहां पे। ठीक है, आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है कल्पना कीजिएगा, फिर मैं बताता हूं। आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा दुश्मन है घमंड। ये कभी भी आपको आत्मसमर्पण करने की इजाजत नहीं देता, और घमंड का आपने बहुत सारे, हमारे बहुत सारे इतिहास में, बहुत सारी चीजों में, साहित्य में, बहुत सारे पुराण में, सब में देखा होगा। राम भी हैं और रावण भी हैं, और आपको मैं बता दूं, राम से भी ज्यादा बड़े भक्त थे शिव जी के रावण, आप सबको पता होगा। लेकिन यही एक घमंड उनको मृत्यु लोक में लेके गया, जबकि अमर होने का उनके पास क्या था, भगवान ने उनको अमर होने का एक वो दिया हुआ था। बावजूद उसके कि आत्मसमर्पण और घमंड, ये दोनों का ध्यान रखना, और ये घमंड ऐसी चीज है कभी भी आपको नहीं पता चलने देती कि आपके अंदर घमंड है, आ चुका है, ये दूसरा ही बताता है। अगर आप ये भी डिस्कस करें अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, कि क्या मेरे जीवन शैली में कोई परिवर्तन है। आज से 18 साल पहले मैं एक दोस्त के साथ हम लोग रहते थे, हम दोनों डिस्कस करते थे कि राहुल, कि हाँ, मैंने कि मुझे बताना कभी मुझे, मेरे अंदर कुछ घमंड ना हो, क्योंकि पैसा वहां आता था, और ये चीज अगर आप डिस्कस, क्योंकि आपको अपने अंदर तक भी प्योरिटी रखनी है, अपने अंदर भी आपको सारी चीज रखनी है, और देखना है कि कहीं मेरे अंदर ये तो नहीं है। और आपने देखा हो घमंड के आते ही बहुत सारे जो यहां पे टाइटैनिक थे वो क्या हो गए, डूब चुके हैं। और सबसे ज्यादा जाने किसने बचाई, किसने बचाई, करिए अपने माइंड में, जीवन रक्षा नौकों ने, जो बहुत ही छोटी छोटी नाव थी, सबसे ज्यादा किसने बचाई, टाइटैनिक में जो 1123 लोगों की जीवन रक्षक नौको थी, उन्होंने जीवन बचाई। और जो इतना बड़ा घमंड लेके चला था कि ये डूब ही नहीं सकता, वो धराशायी हो गया और डूब गया। तो डायरेक्ट सेलिंग भी वही है, जब आप लीडरशिप के पद पे जाते हो तो आपका और भी व्यवहार विनम्र हो जाना चाहिए, और आपको अपनी टीम के बारे में, अपने बारे में नहीं, अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि लीडरशिप का मतलब है कि आप और भी विनम्र, आप और भी प्यारे, आप और भी लचीले, और आप बिना पैसे के, मोह के, अपनी टीम के साथ काम करें। आज इसी सेशन के साथ मैं अपना टॉपिक खत्म करना चाहता हूं, और जिसको कोई भी क्वेश्चन यहां पे लेना है तो वो अभी ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है अरुण मीना जी मीटिंग को जो है